दोस्तों बूरा भाई के बाद में जो है बंदर की तरफ एक बच्चा और दिखा है वहां। दोस्तों तांगे में खड़ा है, देखो कितना शानदार घोड़ा है। और ये देखो जो है भाई ने पूरी कलाकारी दिखा दी है। घोड़ी है दोस्तों थोड़ी सी कमजान है, लेकिन बहुत ही बढ़िया नस्ल। और भाई ने जो है पैर वैर भी पकड़ के दिखाए इसके। और तो भैया कहाँ से लेके पहुँच रहे? अरे अपना गांव है ग्राम रीड। अच्छा संभल। अच्छा तो यो कितने दिनों का बच्चा भैया? ये 17 महीने की बच्ची है। 17 महीने की। अच्छा तो मतलब कैसे ऊपर नीचे कैसे घूम जाओ? अरे बहुत सीधी है यार, देखो भाई साहब ये तो घोड़ी खुद दिखाएगी तुम्हें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी जगह तो आके वैसे भी जो थोड़ा बहुत है वो दिखाई दे जा। हाँ बिल्कुल। तो भैया इसके क्या प्राइस मांगे? बिल्कुल 1-10। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। मैंने कह रहा अगर कोई जोट का कोई नर ऐसा बढ़िया मिल गया ना तो मैंने कह रहा लाइन एकदम ही चल पड़ेगी। है नहीं भाई? देखो ताली तो दोनों हाथ से बजे, बहुत बढ़िया। हाँ फेमस करो। नहीं नहीं हो गए फेमस, आ गए वीडियो में आ गए भैया। बहुत बढ़िया भैया, थोड़ी चला दो पैर रखने का स्टाइल देख लें इसका। बहुत बढ़िया, घुमा दो इधर को घुमा दो। एक बार थोड़ा सा ले जाके सामने से लाओ, थोड़ा सा पैरों का पता चल जाएगा। दोस्तों सीधे ही पैर डाल रही है, घुमा दो भैया। मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर एक बार स्टड फॉर्म के लिए अगर आप चाह रहे हो ना तो इस मेले में जरूर ट्राई करें, आपको सही बजट में और बहुत अच्छे बच्चे मिलेंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये देखें बहुत ही शानदार हांगा पड़ा हुआ। और दोस्तों निशान भी आ रहे हैं इसमें। इस टाइम जो है घर घोड़ा अपनी भरपूर जवानी में चल रहा है। और इसके पीछे जो है इसी के जोड़े का एक और बहुत ही शानदार, एक ये देखें। दोस्तों इस साइड में सारे ये बच्चे जो हैं शानदार ही हैं। दोस्तों ये है कि इसके सामने वो बच्चा खड़ा है बहुत ही शानदार। और एक ये देखें इधर भी जो है एक बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही प्यारी। और ये देखें दोस्तों चार दांत बच्चा है, बहुत ही शानदार है। कुदरत वाले ने काफी अच्छी बनावट दी है, पैर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही शानदार। दोस्तों मैं इसके पास आ गया हूँ, पहले मैं वहां गाड़ी के पास में खड़ा था थार के, वहां से क्लियर नहीं दिख रहा था ये बच्चा। ये देखें बहुत ही शानदार। इधर फिर जो है कुछ देसी है बीच बीच में। दोस्तों एक और बच्चा है बीच में। दोस्तों देखो यहाँ फिर से बच्चे हैं, नुकरे बच्चे हैं बहुत सारे। और दोस्तों ये बात मुझे यहाँ आकर समझ में आई है कि अगर स्टड फार्म आपको शुरू करना है तो फिर आपको गढ़ गंगा मेला जो घोड़ों का लगता है, इससे अच्छा ऑप्शन है नहीं, पूरी दुनिया में ही नहीं है। बहुत ही कम रेट में और बहुत ही बढ़िया। अगर आपकी ज़मीन है अपनी तो हल्का सा शेड लगाएं और एकदम से शुरू कर दें, जितने भी चाहें 2 से लेकर 10-20 तक भी आप आराम से स्टार्टिंग कर सकते हैं। गढ़ मुक्तेश्वर गाजियाबाद से सस्ता आपको कहीं नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही अच्छा है घोड़ों के शौकीनों के लिए। तो दोस्तों ये देखें जो ये बच्ची है, अगर इसे अच्छे घोड़े से मेट करेंगे उसके साथ में रखेंगे तो आपकी लाइन जो एक बोली जाती है, जैसे बात बोली जाती है कि एकदम से लाइन चल पड़ेगी। तो ये देखें ये अपने आप में बहुत अच्छी। फिर यहाँ आते आते फिर ये अलग तरह के हैं क्योंकि सभी की शारीरिक बनावट गुण अलग होते हैं। फिर ये है, फिर ये लाइन के हिसाब का है बच्चा। तो इनमें भी ये देखो कि गुण किस में आएंगे, क्योंकि बहुत बार ये बोला गया है बहुत वीडियो में है घोड़ों की में कि लाइन के बच्चे जो हैं ज़्यादा दंगा नहीं करते और जो है लतोरे नहीं होते, कटखड़े नहीं होते, काटते नहीं, लात नहीं मारते। तो बात यही है कि
स्वभाव जो आएगा वो किस्मत की बात है, कैसा आएगा ये देखें। इनमें सभी नुकरों में जो है हल्की हल्की फुलकारी है, फिर इनमें अबलक भी आ जाते हैं, लेकिन इनसे जैसे वो काला है ये लाल वाला है, तो इनसे जो है नुकरे आ जाएंगे बहुत बढ़िया। और ये देखें दोस्तों इस साइड में और भी अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही शानदार। पहले इन्हें पीछे से देख लें आप, फिर जो है उन बच्चों को उधर से दिखाऊंगा। ये देखें सर दोस्तों इसी लाइन में ये देखें, ये एक बच्ची बहुत अच्छी है, ये पच कल्याण में ही आएगी, लंबाई ऊंचाई बहुत रहेगी इसकी। फिर इसके साथ में ये है, लेकिन जो ब्लैक है वो अलग ही तरह का बच्चा है। बहुत शानदार। फिर दोस्तों दूसरी लाइन में आ गए हम इधर। दोस्तों इस लाइन के बाद में बस यही कोना बच रहा है, इधर भी दिखाऊंगा मैं आपको, उधर भी कई बच्चे काफी अच्छे बन रहे हैं। ये देखें बहुत बहुत शानदार। दोस्तों इन्हीं में से अगर कोई भी स्टड फार्म शुरू करना चाहता है या अपने घोड़ों के शौक करना चाहता है, आपको कहीं से भी महंगा घोड़ा खरीदने की जरूरत नहीं है। आप गढ़गंगा जी मेले में आइए और आपको ऐसे ऐसे नमूने मिलेंगे, ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे यहाँ कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और दोस्तों ये सबसे अलग ही बन रहा है, लेकिन है भी सबसे अलग ही काला बच्चा है, एग्रेसिव भी है, एक पैर सफेद है, बहुत ही शानदार। ये देखें लंबा ऊंचाई काफी है। ले 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 आजा 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 ले बेटा ले। दोस्तों कान वान बहुत अच्छे हैं बच्चे के, ले ले ले। लेकिन दोस्तों ये अकेला बंधने की वजह से कर रहा है, यह हलचल के गुण है इसमें इस तरह के, बहुत ही शानदार बच्चा। अब दोस्तों उधर चलते हैं। दोस्तों इसी से शुरू कर रहे हैं, बच्चे से थोड़ा सा कम जान है लेकिन अपने समय का अच्छा रहा है। तो दोस्तों खुराक से ही और बेखुराक के ही नस्ल और बेनस्ल का हो जाता है। ये देखें अभी इस तरफ आ गए हैं, यहाँ भी कुछ बच्चे जो है काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये देखें वो देखें उस तरफ भी घूम रहे हैं शौकीन। ये देखें ये देखें दोस्तों एक बच्चा और, एक बहुत शानदार। ये देखें दोनों ही, उसमें थोड़ी सी देसी मिक्स है वो, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा, ये तो आगे चल कर बहुत ही नाम करने वाली बच्ची है। तो दोस्तों जो हमारे कवि के दोस्त मान लो या पुराने गुरुजी मान लो, अब तो खैर वे रहे नहीं, लंबे टाइम तक वे हमारे संपर्क में रहे, तो उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत घोड़े खरीदवाए लोगों को, और वो इतने अच्छे आदमी थे कि अगर किसी का बजट भी नहीं था तो वो अपने पैसों से ही शौक करवा दिया करें थे। लेकिन ये चाहती उनकी कि हर घर में एक घोड़ा तो रहे रहे, क्योंकि घोड़े की कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि ये जो है ऊपर वाले से जुड़े हुए होते हैं, तो इनका रहना घर में काफ़ी अच्छा माना गया है। राम राम जी भैया, और ठीक जी? अच्छा जी भैया, थोड़ा सा इसमें अपना परिचय दो, भाई देख रहे हैं। परिचय भैया, हम दुहाई से हैं, नाम सचिन है। अच्छा जी भैया, तो घोड़ा लेने आ रहे हैं? सब्सक्राइब रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भैया घोड़ा लेने आ रहे हैं? हाँ, देखने आ रहे, कोई पसंद आ जाए। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं बढ़िया। तो भैया जैसे मैं इसमें जिक्र ही कर रहा था, जैसे हमारे कवि के गुरु जी ने भी जिक्र करा था कि दुनिया में जितने भी घोड़ों का नाम हुआ, जैसा वीडियो पड़े, उनकी जड़ें इसी मेले से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। हाँ भैया, के सेल यहाँ से ही होकर गया, फिर आगे चल के वो लाइन में मिलता चला, लाइन में मिल गया, जो आगे चल के चले गए। एक थोड़ा सा हमारे यहाँ अलग नस्ल है, हाँ उधर राजस्थान और पंजाब की तरफ थोड़ा सा अलग। नहीं वो तो क्षेत्र के हिसाब से खैर बड़ा हो जाए। अब आपने देखे नहीं पंजाब में कितने बड़े बड़े घोड़े हो गए? मारवाड़ी नस्ल के हैं। नहीं मारवाड़ी भी है, क्योंकि मारवाड़ी जो मिलेंगे राजस्थान में वे तो हैं छोटे,
पतले हैं, लेकिन पंजाब में तो बहुत बड़े बड़े घोड़े हैं। पंजाब वालों को नॉलेज है, हाँ बहुत अच्छा काम करना। हाँ वे शुद्ध था, उन्होंने ज्यादा काम करा मारवाड़ अच्छा काम करा, बहुत अच्छा। और आज वर्ल्ड में फेमस है, वर्ल्ड फेमस होगी यहाँ घोड़े, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मुझे भी बहुत ने बताया भाइयों ने कि वो जो है ज्यादातर या तो जो अब क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया वहाँ से वंशज घोड़ों के, या फिर इस मेले से लिए हुए थे। नुगरा कलर है यो, हाँ। बड़े बुड्ढे ने बताया करा कि यो पाकिस्तान से आया। हाँ हाँ, फिर यो है पंजाब वालों ने चलाया यो। नहीं था भैया यो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कैसा लोगे, इनमें से कोई बड़ा लोगे कैसा? हमें तो बच्चे की तलाश है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे भैया ये कलर है, इसे क्या कहेंगे? ये वाला, ये हल्का गुलाबी सफेद सा। अब लग अब लग तो भाई जी से मिलके अब दोस्तों आगे चल पड़े हैं। ये देखें जो है, उस तरफ भी दिखाता हूँ आपको, उस तरफ भी एक दो बच्चे काफी अच्छे हैं। फिर दोस्तों इसकी देसी के साथ में ये एक बच्चा बहुत अच्छा बन रहा है, घोड़ी है उन्नी या दो दांती होगी, बहुत ही शानदार है ये भी। फिर ये भी एक बहुत अच्छी बच्ची है, और जो है लगातार सौदेबाजी चल रही है। अब माल उतर रहा है आके, और जो है फटाफट जा भी रहे हैं। एक ही बच्चे तो दोस्तों देखो हो गया है सौदा। कितने में गई भी है? अच्छा 26 के लिए। कहाँ जाएगी है, कौन से गांव? मेरठ। कौन मेरठ शहर में ही? अच्छा मैं हूँ दोराले से, मेरठ से आ गया, दोराले के पास गांव है पवरसा। 26 मिली है, बहुत बढ़िया भाई। कितने दिन की होगी अंदाजन? 3 महीने। सही है, चारे पे तो लग रही होगी, हो चारा तो खाती होगी। सही है, सब चीज खा रही है। हाँ हाँ हाँ, कोई ना, इसकी गौर करियो बढ़िया। तो भैया ये कौन सा कलर हुआ? संजाब। तो ये ऐसी रहेगी मतलब? अच्छा जो है लाल कलर ये घट जाएगा, सफेद हो जाएगी ज्यादातर। बहुत बढ़िया, लाल संजाब बोल लेंगे इसे। अब दोस्तों यहाँ से बढ़ते हुए देखें जो है, यहाँ भी बीच बीच में जो है कुछ बच्चे ऐसे। ओहो कान पूरे दबा दिए, मैं मुझे ही कर दे किल मेरे यार लाल बच्चों को। दोस्तों उधर जो है सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है उधर, और जो है वहाँ एक दो बच्चे दिखे हैं अभी। उधर चल के आपको दिखाता हूँ, यहाँ तो फिर एंड हो गया है। ये आ गई काला और सफेद, ये दो बच्चे हैं, बाकी इधर तो नहीं है कोई भी। दोस्तों ये सामने एक जो है अबलक लाल बच्चा बहुत अच्छा है। फिर ये जो है ये बच्ची है भैया, घोड़ी बहुत ही शानदार है भैया। क्या प्राइस होगा इसका? ऐसे 1.5 लाख रुपये। कितने उम्र? 15 महीने की। दोस्तों ये भी जो है शो करने के लिए, रजिस्टर्ड फार्म के लिए बहुत अच्छी बच्ची है। देखें पैर वगैरह सारे अच्छे हैं इसके, बहुत बहुत बढ़िया। ये भी देखें, हाँ बहुत ही शानदार। दोस्तों वो एक बच्चा देखो बीच में कितना शानदार खड़ा है, दिखा देते हैं। ये इनमें से कोई सा हमारे ऊपर ना जाए। उधर भी है, नहीं दो ही हैं बस, एक लाल है और एक ये सामने ही है। बिल्कुल ये देखें घोड़े की बराबर, इसके बैल के बराबर में, ये देखें। तो दोस्तों ये देखें, ये भी एक बच्ची है। यहाँ पर दोस्तों घोड़ी ज़्यादा हैं। ये देखें ये भी बहुत शानदार है, बड़े साइज में जाएगी ये भी, बहुत बहुत शानदार। तो दोस्तों यही चीज़ जो है अपने माइंड में रखें कि यहाँ से बच्चा ज़रूर खरीदें। आप अगर घोड़े का शौक़ करते हैं तो यहाँ से बच्चा ज़रूर ज़रूर खरीदें, आपको ज़रूर जीवन में लाभ होगा और घोड़ों के शौक़ में आपकी उन्नति ज़रूर होगी। क्योंकि पैसों में बजट में आपको बच्चा मिलेगा, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों यहाँ आते हुए पीछे दो बच्चे यहाँ दिखाई दिए हैं, ये भी दोनों बच्ची हैं बहुत ही अच्छी। और यहाँ तो दोस्तों ये सारे जो हैं कैंप हैं इनके, तो सामने जो है उधर ही जाकर हम रोड पर चढ़ेंगे। फिर यहाँ एंड हो गया है, अब उधर चलते हैं मोटरसाइकिल के पास। तो दोस्तों फिर वापस आते हुए इसका सामने स्टाइल देख के खड़े होने का,
तो दोस्तों ज्यादातर घोड़े के बच्चे जो है छोटे लोग हैं आने में। इसका क्या प्राइस है जी, पैसे क्या जी इसके? 225। उम्र कितनी है? 12 महीने। 12 महीने का घोड़ा है? अच्छा घोड़ी है बच्ची, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये देखें, बहुत ही शानदार प्यारी बच्ची है, 2,25,000 रुपये। और इसके 3 है। यो भी घोड़ी है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। लेकिन यो ज़्यादा कीमती सी लग रही मुझे, है ना। तो दोस्तों अब जो है अनाउंसमेंट होने लगी है खोया पाया पे, और यहाँ जहर खुरानी का भी बहुत तगड़ा प्रकोप है, तो उसके लिए भी अनाउंसमेंट बराबर हो रही है। तो दोस्तों कुछ बच्चे वहाँ हैं पीछे, लेकिन जो भी खरीदने लायक बच्चे हैं वो इन्होंने छांट के ज़्यादातर इसी कोने में बांध रखे हैं ला के। तो दोस्तों कैटेगरी है यहाँ, जो मैं शुरू में कह रहा था कि कैटेगरी ऐसी होनी चाहिए, वो गधे अलग है, खच्चर टट्टू, और बाकी जो है घोड़े अलग हैं। इधर 101 शानदार बच्चा है। भैया जी इसके क्या मांग रखे हैं? नहीं कितने में गई यो, कितने में बिकी? 75,000। अच्छा 75,000 में। कितने दिन की होगी, क्या उम्र है? 4 साल की। कम लग रही है तो मुझे देखने में। अच्छा दोस्तों ये जो बच्ची है ये सेल हो गई है। तो सब जो है घूमते घूमते मोटरसाइकिल के पास में आ गई, हम निकल चलते हैं फटाफट। मेला लगभग जो है पूरा सही हो गया है, तो काफ़ी अच्छे घोड़े देखने को मिले दोस्तों आपको। जो भी बात अच्छी या कोई भी बात बुरी लगी है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जाते हुए भी कोशिश करेंगे, अगर कोई बच्चा अच्छा दिखाई देता है तो वो आपको दिखाएंगे, अन्यथा जो है अपने ठिकाने पे पहुंचते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए।